गोकर्ण उवाच। गोकर्ण कहते हैं तदर्थं तो मया दया पिंडो मया दत्तो विधानतः तद कथम नैव मुक्तोसि मम आश्चर्यम इदं महत। भाई मैं तुम्हारे लिए गया में पिंडदान किया, विधान पूर्वक किया, मया विधानतः गया पिंडो दत्ता, फिर भी पता नहीं क्यों तुम मुक्त नहीं हुए हो, यह महान आश्चर्य हो रहा है मेरे लिए। गया श्राद्धान न मुक्तिश्चेत उपायो नापरस्त्वह किं विधेयं मया प्रेत तत्तम वदस विस्तरम। कहता है गया श्राद्ध से भी मुक्ति नहीं हुई है तो नापरस्त्वह उपाय और कोई दूसरा उपाय नहीं, इसलिए हे प्रेता तुम स्वयं बताओ किम विधेयम मया किम विधेयम, मुझे क्या करना चाहिए, यह बात तुम स्वयं ही विस्तार से बताओ। प्रेत रूपधारी व धुंधुकारी ने कहा, प्रेत उवाच गया श्राद्ध शतेनापि मुक्तिर्मेन भविष्यति उपायम अपरम किंचेद तद विचार है साम्रतम। सैकड़ों बार तुम गया श्राद्ध कर लो तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, इतना पाप कर रखा। उपायम अपरम किंचित, इसलिए कोई दूसरा उपाय तुम स्वयं विचार कर लो, इस समय मेरे को कुछ ज्ञान नहीं है। धुंधुकारी कहता मैं नहीं जानता किस उपाय से मेरी मुक्ति होगी, वो आप ही समझो है? लगाओ ध्यान और जानो तो क्या करने से मुक्ति होगा उसका। इति तद वाक्यम आकर्ण्य गोकर्ण विस्मय अंगत शतश्राद्धेर्ण मुक्तिश्चेत असाध्यम मोचनम तव। उसके वाक्य को सुन करके गोकर्ण बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, सैकड़ों श्राद्ध से भी यदि मुक्ति नहीं होगी फिर तो तुम्हारा इस प्रेत योनि से मुक्ति असाध्य ही है। फिर भी सोचा इदानीं तो निजम स्थानम आतिष्ठ प्रेम निर्भय प्रेत निर्भय तन्मुक्ति साधकाम किंचित आचरिष्य विचार्य च। कहे चलो अब ऐसे करो, तुम तंग मत करो लोगों को, किसी को, चुपचाप अपने जगह पर बैठे रहो। ये प्रेता निर्भय सन निज स्थानम इदानीं आतिष्ठ तन्मुक्ति साधकाम किंचित आचरिष्य विचार्य च। विचार करके तुम्हारे मुक्ति का साधन को मैं कुछ न कुछ जरूर आचरण करूंगा। विश्वास वचन को सुन करके बड़ा विश्वस्त हुआ और धुंधकारी अपने जगह पर जाकर एक जगह चुपचाप बैठ गया। धुंधकारी निजम स्थानम तेनाधिष्ठस्ततो गतः गोकर्णश्चिन्तयामास ताम्रात्रिं न तदध्यगा। धुंधकारी तो उस गोकर्ण के आदेश के मुताबिक अपने स्थान पर जाकर बैठ गया और इधर गोकर्ण रात भर चिंतन किया क्या उपाय किया जाए। सारा उसके पढ़े लिखे जितने भी शास्त्र प्रायश्चित कल्प को खूब समझा लेकिन कहीं भी कोई भी मार्ग उसको नहीं दिखाई दिया। न तद अध्यगा। प्रातस्तम आगतम दृष्ट्वा लोका प्रीत्या समागता तत्सर्वं कथितं तेनो यज्ञातं च यथानिशि। सुबह हुआ उसका आया हुआ देख करके पूरे गांव के लोग इकट्ठा हुए, प्रीत्या समागता प्रीति से सभी के सभी इकट्ठे हो गए लोग। और उसने क्या किया, तत्सर्वं कथितं तेनो यथानिशि यज्ञातं तत्सर्वं कृतं। रात्रि में जिस प्रकार जो जो घटना घटी जो जो वार्तालाप हुई थी वो सारी बातें उन लोगों को उसने कह दिया। जो गांव में जो विद्वान लोग रहे हैं तो उन लोगों ने विचार किया तो बड़ा आश्चर्य की बात, ऐसा है तो
विद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनो ब्रह्मवादिना तन्मुक्तिं नैव पश्यन्ति पश्यन्तः शास्त्र संचयान्। योगनिष्ठ वो विद्वान लोग, ब्रह्मवादी ज्ञानी लोग सभी करता हुआ विचार किए तन्मुक्तिं नैव पश्यन्ति, लेकिन उस धुंधकार का मुक्ति का मार्ग किसी को भी पता नहीं चल पाया। शास्त्र संचयान पश्यन्तोपि नैव पश्यन्ति, शास्त्र में विस्तार से कहा हुआ सारी बातों को देखते हुए भी उनको लेकिन धुंधकार के मुक्ति का मार्ग उसमें कहीं भी नहीं मिला। तद सर्वे सूर्यवाक्यम तन्मुक्तौ स्थापितं वरं गोकर्ण स्तंभनम चक्र सूर्य वेगस्य वैतवा। अब सबने एक बात कहा, देखो सकल कर्मों का साक्षी सूर्य है, इसीलिए सभी ने एक ही बात कहा, देखो इस विषय में धुंधकारी का मुक्ति में सूर्य का वाक्य ही, सूर्य जो कह दे, जो आदेश दे, जो करने को कहे वही करना उचित होगा, ऐसे सभी ने निश्चय अंत में दे दिया। तो गोकर्ण ने क्या किया, अपना तपोबल को इस्तेमाल किया और सूर्य का वेग को स्तंभित कर दिया, रोक दिया। सूर्य ने देखा है कौन है भाई हमारे वेग को रोक रहा है, देखा तो गोकर्ण दिव्य ज्ञानी आदमी है, ये साधारण तो है नहीं, इसलिए सूर्य भगवान नाराज नहीं हुए, बल्कि उनसे पूछा, तुभ्यम नमो जगत साक्षिन ब्रूहि में मुक्ति हेतु कम तत्त्वा दूरतो सूर्य स्फुटमित्यभाषयत श्रीमद् भागवतात्मुक्ति सप्ताहे वाचनं गुरु। तो हाथ जोड़ के गोकर्ण ने प्रार्थना किया, हे जगत साक्षिन तुभ्यम नमो नमः, हे जगत के सकल कर्मों का साक्षी सूर्य भगवान, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ, आप मेरे लिए इस धुंधकार के मुक्ति का साधन को बताइए। इस बात को सुनकर सूर्य दूर से ही स्फुटमित्य भाषत स्पष्ट ही इन बातों को कहा, क्या कहा, अरे भाई भागवत से मुक्ति होगी, इसलिए तुम सप्ताहे वाचनं करो, सप्ताह पाठ करो, सप्ताह पारायण करो, यह पाठ है, आजकल जैसे कथा की बात नहीं है, पूरा सप्ताह प्रत्येक श्लोक को ढंग से पढ़ना है, मूल पाठ जिसको आजकल कह रहे थे क्या, इसीलिए इसको मूल पाठ कर, मूल पाठ करना, लेकिन अर्थ को समझते हुए प्रत्येक श्लोक को, उसके रहस्यार्थ को, भावार्थ को, लक्ष्यार्थ को, गूढ़ार्थ को समझते हुए पाठ करना है। कहेगा समझ में आएगा कि क्यों, सुनते सभी हैं, किसी को लाभ होता है किसी को नहीं होता क्यों, उस पर विचार आएगा तो मालूम होगा आपको कि सभी अर्थों को सम्यक प्रकार से श्रवण और मनन एवं निध्यासन करना आवश्यक होता है, तभी मुक्ति होगी। इति सूर्य वच सर्वैर धर्म रूपम तु विश्रुतम सर्वे अब्रुवंत तेन कर्तव्यम सुकरम तिदम। इस सूर्य के वचन को धर्म रूपम सूर्य वच सर्वैहि विश्रुतम, सभी ने स्पष्टतः उस सूर्य का वचन जो धर्म रूपी वचन है उसको सुना और सभी ने कहा सर्वे ब्रुवन इदं तु सुकरं प्रयत्नेन कर्तव्य, सुकर साधन है इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसको करनी ही चाहिए। गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनार्थं प्रवर्तितः तत्र संश्रवणार्थाय देश ग्रामाजनायुः पंगबंध वृद्ध मंदाश्च ते भी पापक्षयाय वै समाजस्तु महान जातो देव विस्मयकारक। गोकर्ण ने निश्चय किया देरी क्यों करना, ऐसे शुभ कर्म में तुरंत ही तैयारी कर डाला और वाचनार्थम प्रवृत्त हो नित्य वाचन करने के लिए प्रवृत्त हुआ। तत्र उस समय उस घर पर ही संश्रवणार्थाय संश्रवण करने के लिए सम्यक प्रकार से श्रवण करने के लिए देश ग्रामात संपूर्ण देश से ग्राम गांव गांव से भी जनाहा यही हो सब प्रकार के लोग आए
आए कैसे, पंगो भी आए, अंधे भी आए, बूढ़े भी आए, मंद बुद्धि वाले भी आए। तेति सर्वे पापक्षयाय वै, अपने अपना पाप क्षय करने के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए। समाजस्त महान जात, महान समाज इकट्ठा हुआ। देव विस्मयकार कहा, मानव भगवान को भी आश्चर्य करा दे, ऐसे सारे के सारे लोग वहां इकट्ठा हुए। यदि आश्रम आस्थाय गोकर्णो वक्त कथाम स प्रेतो पितदायात स्थानम पश्यन्नित्यस्तुत। जैसे गोकर्ण महाराज आसन पर बैठ करके कथा का वाचन करने के लिए शुरू ही किए, इतने में वह प्रेत धुंधुकारी आया। सब प्रेतो पितदायात, वह प्रेत भूता धुंधुकारी उस समय पहुंचा और चारों तरफ देखा, मेरे लिए कौन सा सीट है, कहाँ बैठूं। स्थानम पश्यन् इतस्ततः, इधर उधर देखा, उसके बैठने योग्य जगह ढूंढ रहा है वो, कहाँ मिलेगा। तो प्रेत लोग खचाखच भर गए, पूरे मंडप भरा हुआ है, कहाँ बैठता हो बेचारा। ढूंढा तो उसको एक जगह दिखा हुई, एक बांस, वो बांस का निम्नतम छिद्र में जाकर के बैठ गया। वे कहता है समग्र सप्त ग्रंथि युतम तत्र अपश्यत् कीचकमुच्छ्रितम् तन्मूल छिद्रम् आविश्य श्रवणार्थम् सितो हि असौ। सप्त ग्रंथि युतम तत्र, सात ग्रंथियों से युक्त, कीचकम उच्छ्रितम् कीचकम अपश्यत्, सीधा खड़ा हुआ बांस को उसने देखा। सीधा खड़ा हुआ बांस जिसमें सात ग्रंथि थे, ऐसा बांस को उसने देखा। और तन मूल छिद्रम आविश्य, उसका जो मूल वाला छिद्र है, जो प्रथम छिद्र है नीचे में एकदम, उस छिद्र में ऊपर से एक नहीं कि ना नीचे से एक, पहला नीचे में है और नीचे वाला छिद्र में वो घुस गया और श्रवण करने के लिए वो वहां स्थित हो गया। कौन सा बांस है? आपका रीढ़ का हड्डी, रीढ़ की हड्डी को बांस कहा है। और इस बांस में सात ग्रंथियां, सब चक्र है, एक एक चक्र का भेदन होने से उसका मुक्ति हो जाएगा। सात ग्रंथियों का भेदन होगा, एक एक दिन का पाठ से एक एक ग्रंथि का भेदन होता है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और बिंदु विसर्ग, अंत में सहस्रार, ये सब चक्र। तो इसलिए कहा था कि देखो सप्त ग्रंथि युतम कह दिया, वात रूपी स्थिति कर्तुम अशक्तो वंशम आवेशत, वैष्णवम ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य सह, प्रथम स्कंदत स्पष्टम आख्यानम दिन जो करो, दिनांते रक्षिता गाथा तदा चित्रम बभूवः। वात रूपी स्थिति कर्तुम अशक्त, वो वात रूपी होने के नाते वैसे हवा में वाके खड़ा नहीं हो पा रहा था, कोई आश्रय की जरूरत थी, तो उस बांस में प्रवेश कर गया। वैष्णव ब्राह्मणम मुख्यम श्रोतारम परिकल्प्य, वह लेकिन गोकर्ण जो वैष्णव लोग थे, ब्राह्मण मुख्य, उन सबको श्रोता के रूप में स्वीकार करके, और अन्य लोग पीछे पीछे बैठे थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र पंगु अंधे अंगड़े पंगड़े सब, जो अधिकारी अनधिकारी सारे पीछे रह गए। उद्देश्य एक ब्राह्मण सामने हो तो भी काम चलेगा, एक ब्राह्मण को बैठा लो, फिर बाकी कोई भी बैठे रहे सुनते रहे, कोई आपत्ति नहीं। परिकल्पया सह प्रथम स्कंद स्पष्ट आख्यानम, सह ध्यान जो प्रथम स्कंद स्पष्ट आख्यानम करो, तो धेनु से उत्पन्न गोकर्ण ने यह प्रथम स्कंद से स्पष्ट ही आख्यान आरंभ कर दिया। दिनांते रक्षिता गाथा, दिनांत में जो अवधि निश्चित है विधि के अनुसार, उस अवधि पर जाकर के उसने रोक दिया। तदा चित्रम बभुवः, बड़ा विचित्र घटना घटी। क्या घटना हुई? वंशैक ग्रंथ भेदोऽस्मत् सशब्दं पश्यतां सतां, द्वितीयान्नी तथा सायं द्वितीय ग्रंथि भेदनम्।
तृतीयन्नी तथा सायं तृतीय ग्रंथि भेदनम् एवं सप्त दिनैर्वंश सप्त ग्रंथि विभेदनम् वंशिक ग्रंथि भेद अभूत। वंश का उस बांस का जो पहला ग्रंथि उसको उद्भेदन हो गया और सशब्दम उद्भेदो अभूत, सशब्दम ग्रंथि भेद अभूत, बड़ा आवाज के साथ भेदन हो गया। पश्यतां सतां सारे सत्पुरुष लोग जो वहां थे उनको वह शब्द तक सुनाई दिया। विलक्षण शब्द है कि सभी जितने भी ध्यान मग्न हो गए सुनते 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 सभी को अनुभव हुआ। कहने का मतलब सभी को जितने लोग थे उन लोगों को उस तरह के लोग जो समर्थ लोग थे जो ऐसे वाक्य सुन रहे थे कोई सुन रहे थे सो रहे थे उन लोगों के लिए नहीं सुनाई दिया। हाँ उनको क्या सुनाई देगा, उनको तो सुना है तो कथा ही नहीं सुन रहे हैं तो कहां से उनको ग्रंथि भेदन की आवाज सुनाई देगा, सवाल ही नहीं उठता। ये बात आगे और स्पष्ट होएगा जब जिंदुकारी को ले जाने के लिए वैकुंठ लोक से लोग आएंगे तब तो गोकर्ण उनसे पूछेगा बात क्या भाई थोड़े लोगों को ले जा रहे हो तो सब तो सुने थे तो कहेंगे कुछ तो सुनते तो सो रहे तो हम क्या करें, और कुछ सुने लेकिन मनन नहीं किए कुछ केवल सुने तो लोग जो निध्यासन तक गए सुन करके अर्थ के गूढ़ार्थ पर्यंत चिंतन करते हुए स्वरूपानुसंधान जिसने किया उन लोगों के चक्र भेदन होते गया उन्हीं लोगों को हम ले जा रहे बाकी को हमको यही छोड़ना पड़ेगा। ये बात आगे कहेंगे इसलिए यहाँ पर भी कहते सताम पश्यताम, सताम विशेषण इसलिए दिया सर्वे सर्वेशम पश्यताम नहीं कहा। और दूसरे दिन भी इसी प्रकार से सायंकाल जैसे ही वह विराम स्थल आया विश्राम हुआ द्वितीय ग्रंथि भेदन दूसरी ग्रंथि का भेदन हो गया। तीसरे दिन में इसी प्रकार सायंकाल विश्राम काल में तृतीय ग्रंथि भेदन होगा। इस प्रकार सात दिनों में वंश के सातों ग्रंथियों का भेदन हो गया। कृत्वापि द्वादश स्कंधो श्रवणात्तेकताम जहौ दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडित द्वादश स्कंध के श्रवण करने से कृत्वापि प्रेतताम जहो बड़े ही उसने अपना ही किए हुए कर्म के वजह से प्राप्त उस प्रेतता को उसने त्याग दिया। दिव्य रूप धरो जाता दिव्य रूप धरो धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया वह दुंदुकारी तुलसी दाम मंडित और उसके गले में तुलसी के पत्र के माला पहना हुआ था। पीतवासा घन श्याम मुकुटी कुंडलान्वित ननाम भ्रातरम सद्यो गोकर्णम मिति चाब्रवी पीले वस्त्र धारण किया हुआ है घन श्याम जैसे रंग साक्षात कृष्ण का दूसरा रूप जैसे निकला है और मुकुट पहना हुआ है कुंडलों से अन्वित है। इन शब्दों का अर्थ पहले कर चुका है पीतवास क्या है घनश्याम में सारा शब्द पहले आ चुके हैं इनका लक्षितार्थ और गूढ़ार्थ बता चुका हूँ। ऐसे दिव्य रूप वाला होकर के भ्रातरम ननाम अपने भाई भूता गोकर्ण को नमस्कार किए सद्य भ्रातरम गोकर्णम भ्रातरम ननाम इति अब्रवीत और उसने कहा त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मषात् कश्मलात् धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी कहत हे बंधो निश्चित रूप से जो है मुझको जो है आपके द्वारा मैं मुक्त हो गया हूँ और इस प्रेत कश्मल से प्रेत के कारण भाव को प्राप्त हो अनेक प्रकार की जो दुख झेल रहा था उस दुख से आपने मुझे मुक्त कर दिया है अपनी असीम कृपा से धन्या भागवती वार्ता। इसलिए भागवती वार्ता धन्या है जो कि प्रेत पीड़ा को भी विनाश कर देने वाली है। सप्ताहो पितथा धन्य कृष्णलोक फल प्रद कंपन्ते सर्व पापानी सप्ताह श्रवण स्थित है। धन्य है सप्ताह पारायण भी क्योंकि यह कृष्ण लोक रूपी फल को प्रदान करने वाला है। इसके समय में जैसे सप्ताह श्रवण करने लगते हो सर्व पापानी कंपन्ते सारे पाप धुल जाते हैं झड़ जाते हैं ना?
कंपन तो धुएं कंपने कंपते हैं तो क्या होता है, जब घोड़ा करते हिलाते हुए हिलता है तो क्या होता है, सारे जो बाल वाल जो टूटे फूटे सब झड़ जाते हैं। उसी तरह सारे पाप आपके झड़ जाते हैं जब सम्यक प्रकार से आप सप्ताह का श्रवण करते हैं। तो अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतम्। अस्माकं सद्यैव इयं कथा अस्माकं आर्द्रं शुष्कं लघु स्थूलं वाङ्मनः कर्मभिः कृतम् सर्वं प्रलयं सद्यैव प्रलयं करिष्यति। हमारे द्वारा किए गए जितने भी गीली सूखी हल्की बुहारी वाणी मन और के द्वारा कर्मगुण से किए हुए जितने भी प्रकार के पाप है वो सब के सब सद्य प्रलयं करिष्यति, सद्य ही तत्काल ही प्रलय को प्राप्त। इतना ही नहीं तो कहते हैं कि देखो श्रवणं विदहेत पापं पावकस्मिधो यथा अस्मिन् वै भारते वर्षे सूरिभिर् वेद संसरी। कहते हैं कि निश्चित रूप से जैसे लकड़ी पावकस्मिधो यथा, जैसे अग्नि जो है लकड़ी को जला करके भस्म कर देता है, उसी प्रकार से यह कथा श्रवण पापों को जलाकर राख बना देता है। अस्मिन् वही भारते वर्षे, इस भारत वर्ष में सूर्य भी वेद संसदी वेद संसदी आ गया, हमारे यहाँ वेद संसदी है, पाठ पाठ भेद कोई बात नहीं। तो सूर्य भी वेद संसदी या देव संसदी, विद्वानों के द्वारा देव संसद में, देव मंदिर में, किसी भी शुभ स्थल में, शुभ्र मंदिर आदि स्थलों में, इस भारतवर्ष में जो कोई ये पाठ करे और श्रवण करे तो उसके सारे पाप जल के राख हो जाते हैं। अकथा श्राविणाम पुंसाम निष्फलम जन्म कीर्तिदम किम मोहतो रक्षिते न सुपुष्टे न बलीयसाम अध्रुवेण शरीरेण शुक शास्त्र कथा विना अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांस शोणितलेपितम चरमावरद्यम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयोः जरा शोक विपाकार्थम रोग मंदिर मातुरम। कहते हैं कि देखो अकथा श्राविणाम पुंसाम, जो ऐसी भागवत कथा को नहीं सुनते हैं ऐसे लोगों का जन्म ही व्यर्थ है, निष्फलम इति कीर्तितम। किम मोह तो रक्षिते न सुपुष्टे न बलियसा, मोह से बलवान और सुपुष्ट इस शरीर की रक्षा करने से क्या लाभ है, क्योंकि शरीर कैसा है, अध्रुवेण शरीरेण, अनित्य शरीर है, अध्रुव शरीर है। सुख शास्त्र कथा विना, सुख शास्त्र की कथा के बिना इस अध्रुव बलवान सुपुष्ट शरीर की रक्षा कर मोह पूर्वक रक्षा करने से क्या लाभ है, मैंने व्यर्थ ही है, क्योंकि अस्थि स्तंभम स्नायु बद्धम, शरीर कैसा है, हड्डी रूपी खंभों पे स्नायुओं से बंधा हुआ, मांस और शोण से लेपित, चरम से ऊपर से पकड़ा हुआ, दुर्गंध से परपूरित पुत्र और पुरुष का पात्र शरीर है। भयंकर वर्णन करता है शरीर को, जरा शोक विपाकार्थम, जरा शोक और कर्म फल का उपभोग करता हुआ पीड़ा को देने वाला रोग मंदिरम मातुरम, यह महान रोग मंदिर है शरीर। दुष्पूरम दुर्धरम दुष्टम सदोषम क्षण भंगुरम कृमविद भस्म संजान्तम शरीरम मिति वर्णितम। ये इसको तो कभी भी पूरा कर नहीं सकते आप, जितना भी कोशिश करो बढ़ाते की और जाएगा ही, धीरे धीरे ढीला होएगा ही, खाली होएगा, जितना भी हृष्ट पुष्ट बनाए रखो फिर भी ये तो खाली होते जाता ही है, दुबला पतला होते जाएगा, अंत में मर जाएगा, टिकने वाला है नहीं, ये दुष्पूर है। दुर्धरम
दुष्टम सदोषम क्षणभ, ये दृष्टि इसलिए क्योंकि क्षण अंगुर है। जितना भी आप इसको प्यार करो संभालो सब कुछ यानी धोखा जरूर देता है, और किस मिनट धोखा देगा कोई पता नहीं, बोलते बोलते हार्ट अटैक हो जाए, भरोसा क्या है? इसका कोई भरोसा नहीं है, इसलिए कहते महादुष्ट है शरीर, किसी को आज तक न साथ दिया न कभी देगा, इसलिए दुष्ट दुर्धर्म, इसको धारण किए रहना भी बेकार है, इसको धारण करना भी बड़ा क्लेशकारी, इसे दुर्धर। देखो ना, सवेरे खाओ शाम को खाओ दोपहर खाओ, सवेरे पियो रात पियो चाय पियो कॉफी पियो नहीं जूस पियो, हर कर काम करना पड़ रहा है, और फिर भी जो है टिकता नहीं है, खाली का खाली रहता है, भरते रहो फिर खाली हो जाता है, ठिकाना ही नहीं इसका। इसे दुर्धर भी है दुष्पुर भी है, धोखा कब भी दे सकता है, इसलिए दुष्ट है, और हमेशा इसके अंदर कुछ न कुछ दोष रहता है, एक भी दिन खाली नहीं जाता जहाँ आदमी ये सोचे कि आज हम पूर्णतया स्वस्थ थे 24 घंटा, नहीं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उसकी दिमाग में प्रॉब्लम आए रहता है, कहीं शरीर में है, कहीं कान में है, कहीं आंख में, कहीं पेट में, कहीं सर में है, कहीं बालों में है, और कुछ नहीं तो बाल इधर से इधर उड़ गया इसलिए परेशान रहता है, यूं करते रहता है, और उसको संभालने में ही लगा रहता है, परेशान है ना, परेशानी की जरा है कुछ नहीं, से बड़ा परेशानी का आ गया, कभी बड़ा गुस्सा आ जाएगा नहीं, फिर मुंडन कर देगा, सब हटा तो संभाल, परेशान हो गया तो मुंडन कर देगा, और फिर लंबा चौड़ा छोड़ेगा, तो चक्कर चलते रहता है, तो पता कहाँ है इसको शांति, इसलिए कभी सदोष है ये, और क्षण भंगुर विनाशी है, कृमि विद भस्मा संजान्तम, कृमि संजान्तम विडो भस्म संजान्तम, वा अंत में क्या हुआ है, कीड़े इसको खा करके टट्टी कर देंगे, कृमि विट है ये शरीर, क्या है कृमियों का विट है, कीड़े बन गए थे ना आदमी, क्या ऐसे छोड़ दो शरीर तो क्या होगा, सारे कीड़े 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 हो जाएंगे, कीड़े सब इसको खा लेंगे, खा कर वो भी सोच करके छोड़ देंगे, कृमिविट हो जाएगा, या तो जला दोगे तो भस्मान, यही इसकी अंतिम संज्ञा है, शरीरम इति वर्णितम अस्थिरेण स्थिरम कर्म, ये कितना ज्ञान हो गया, धुंधुकारी बोल रहा है सारी बात, धुंधुकारी कह रहा है कि सारा जिंदगी बेकार है उसका जो कथा को श्रवण नहीं करता और शरीर का पालन पोषण करने वाला हुआ करता है, अस्थिरेण स्थिरम कर्म कुतोयम साधयन् नहि यत्रात संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति, अस्थिरेण स्थिरं कर्म कुतो अयम साधये कत, अस्थिर के द्वारा स्थिर कर्म को कैसे सिद्ध कर सकता है, नहीं साधे करता है कभी वो सिद्ध नहीं कर सकता है, नास्त्य कृत कृतेन, कृत कर्मों के द्वारा अनित्य कर्मों के द्वारा नित्य भूत आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, श्रुति कहते नास्त्य कृत कृतेन, तो उसी को इसने कह दिया अस्थिरेण स्थिर कर्म कुतोयम साधित अर्थात नहीं साधित, यत प्रातः संस्कृतं चान्नम जो सुबह इसको नहलाए धुलाए खिलाए पिलाए, शाम तक क्या हुआ पसीना से दुर्गंध मारने लग गया, और खाया हुआ भी सब स्वाहा पता नहीं कहाँ गया, यत प्रातः संस्कृतं चान्नम सायं तच्च विनश्यति, सायंकाल तक उठते नहीं सब नष्ट हो गए, फिर नहाना पड़ता है सायंकाल को, फिर खिलाना पड़ता है उसे दोबारा, फिर सवेरे होते तो भी खाली सपन में ही खाली हो जाता है, अब यहाँ खा के सोए ही है सपन में जाते तो भूखे भूखे घूमते हैं, पता नहीं इतना विचित्र काम है इसका, तदीय रस संबुष्ट काय का नाम अनित्यता सप्ताह श्रवणालोक है प्राप्यते निकटे हरि, इसे तदीय रस संपुष्ट काय का नाम अनित्यता तादृश अन्नादियों से अन्नादियों का तदीय मन तादृश अन्नादियों का रस से संपुष्ट इस काय में नित्यता नाम का चीज कैसे हो सकती है,
इसलिए सप्ताह श्रवणात् लोक है, बल्कि इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से निश्चित रूप से हरि ही निकटे प्राप्त है, हरि के सन्निधि को प्राप्त कर लोगे। अतो दोष निवृत्त्यर्थम् येत देव ही साधनम् बुद्बुदा इव तो येषु मशका इव जंतुषु जायन्ति मरणायैव कथा श्रवण वर्जिता। इसलिए दोष का निवृत्ति करने के लिए यही एकमात्र साधन है और कोई दूसरा साधन नहीं है। और बाकी लोग कथा श्रवण वर्जिता, कथा श्रवण से रहित जो लोग हैं उन लोगों का जिंदगी ऐसा है जैसे बुदबुदाई वतो येषु, जल में लहरों के कारण से उत्पन्न बुदबुद के समान क्षण भंगुर है, क्षण भर में वो फुटफुट होते रहते, अभी बने बुलबुल बुलाए अब स्वागत नहीं चलता। जैसे बुदबुद बनते नष्ट होते भी रहते हैं, उसी प्रकार से आदमी का जिंदगी भी जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। अथवा और भी थोड़ा सा ज्यादा जी, थोड़ी दिन और भी जी सकता, ज्यादा ज्यादा 100 साल आयु, मशका इव जंतुषु, जैसे जंतुओं में मच्छरों के समान इसकी जिंदगी है, जब मरो जियो मरो जियो चक्कर चलते रहेगा, जायन्ते मरणायैव, इनका जन्म केवल मरने के लिए है, मोक्ष के लिए नहीं है। किनका? कथा श्रवण वर्जिता, जो कथा भागवत कथा के श्रवण से रहित लोग है उन लोगों की दुर्दशा होती है। जड़स्य शुष्क वंशस्य यत्र ग्रंथि विभेदनम चित्रम किमुतदा चित्त ग्रंथि भेद कथा श्रवात्। जड़भूत सूखे बांस का जब ग्रंथि विभेदन हो सकता है, आप तो चेतन पुरुष समझदार बुद्धिमान, जड़भूत मने क्योंकि दुंधकारी क्या है, अपने पापों से जड़ता को प्राप्त किया था, अत्यंत जड़ता, जो कि गया शराब भी सैकड़ों बार क्या गया शराब से कल्याण नहीं कर सकता, अत्यंत जड़ता को प्राप्त किया धुंधकारी का भी, वो एकदम शुष्क बांस के समान उसका जो है सप्त ग्रंथी थे, उसका भी जब भेदन हो सकता है। आप लोग तो महान लोग हो, इतने पाप तो है नहीं, नहीं? इसलिए चित्त ग्रंथि का भेदन अर्थात जो चेतनता से युक्त, इतने पाप से युक्त नहीं है, जो बुद्धि से संपन्न है, विवेक वैराग्य से संपन्न है, उनकी ग्रंथियों का भेदन तो कथा श्रवण से होता है। इसमें यदि हो जाता है तो क्या आश्चर्य है, मन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब धुंधकारी कहता है मेरे जैसे घटिया लोगों का भी कल्याण हो गया, तो अन्य महान बुद्धिमान विवेकी विरक्त पुरुषों का भी कल्याण होता है, तो इसमें क्या आश्चर्य होगा, अर्थात कोई आश्चर्य नहीं है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चासि कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। अंतिम बात बदल दिया, सप्ताह का श्रवण करने पर क्या होगा, कहते हैं कि देखो हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा, सारी संशय नष्ट हो जाएंगे, उसके समस्त कर्म भस्मीभूत हो जाएगा सप्ताह का श्रवण करने पर। संसार कृतमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्थिते चित्ते मुक्तिरेव बुद्धि स्मृता। तीर्थ में जल, कथा रूपी जल ऐसा विलक्षण जल है जो संसार रूपी कीचड़ का आलेप को धोने में अत्यंत पटु है, पटीयसी। संसार कर्दम, कर्दम माने कीचड़, कीचड़ का आलेप, उस कीचड़ का लेप हो रखा है हम लोगों के ऊपर, संसार भी कीचड़ का लेप हो रखा है, उस लेप को प्रक्षालन करने में अत्यंत जो पटु है कौन है, वो कथा तीर्थ है, कथा रूपी जल, वो आपके हाथों में अर्थात आपके चित्त में जब स्थित है तो बुधेर मुक्तिरेव स्मृता, बुधों के द्वारा ऐसे लोगों के लिए मुक्ति ही होती है, ऐसा स्मृतियां कही है। एवं ब्रुवति वै तस्मिन् इमानम् अगमत् तदा वैकुंठवासिभिर्युक्तम् प्रस्फुरद्दीप्तिमण्डलम्। ऐसा कह रहा था धुंधकारी, इतने में खटी के ऊपर से बहुत विलक्षण विमान उतर आया, और वह विमान कैसे आया, विमानम अगमत, विमान आ गया उसी समय, और उसमें कौन थे,
वैकुंठवास भीरुक्तम वैकुंठवासी वैष्णव जन से संपन्न था। प्रस्फुट दीप्ति मंडलम और चारों तरफ विलक्षण प्रकाश मंडल को स्फुरित करता है वह प्रकट हो गया। सर्वेशां पश्यतां भेजे इमानं धुंधली सुतः इमाने वैष्णवान्विच्य गोकर्णो वाक्यमप्रवि। सर्वेशां पश्यतां सभी का देखते देखते ही वह धुंधली सुत जो धुंधकारी उस विमान का उपभोग करने में लग गया अर्थात उस विमान पर सवार हो गया। विमानं भेजे अब वह विमान चढ़ने लग वापस लौटने लगा वैकुंठ की ओर। तब गोकर्ण ने उस पर विराजमान वैष्णवों को देख करके यह वाक्य कहा, महाराज रुको रुको क्यों भाग रहे हो, इतने लोग सुने, इतने लोगों को सबको क्यों नहीं ले जा रहे हो, सब तो सुने हैं, हैं? हमको भी छोड़ दिए सुनाने वाले कोई, वह तो कमाल है। और धुंधकारी और दो चार दस जो वास्तव में जिनकी ग्रंथि भेदन हो गया श्रवण मंडित ध्यास जिन लोगों ने किया उन लोगों को तो लेके चल दिए और मुझे भी छोड़ दिए और अन्य और भी बहुत सारे लोगों को छोड़ दिए, ये तो बात न्याय नहीं है। तो इसलिए गोकर्ण वाच गोकर्ण पूछता है अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। कहते कि देखो अत्र यहाँ पर मम श्रोतार निर्मला श्रोतार है ना, निर्मला श्रोतार मेरे निर्मल श्रोता गण बहवः सन्ति बहुत सारे लोग हैं, लेकिन तेषां विमानानि युगपत् न आनीतानि कुतः। उन लोगों सभीओं के लिए एक साथ आपने अनेक विमानों को क्यों नहीं लाए हो। श्रवणम समभागेन सर्वेषां यह दृश्यते फल भेद कुतो जातः प्रब्रुवन्तो हरिप्रियाः। सब लोग समान रूप से समभागेन कोई ज्यादा कोई कम ऐसी बात नहीं, कोई भी एक दिन भी नागा नहीं किया, कहने का मतलब 7 दिन में से एक भी दिन खाली नहीं गया, सभी लोग पूरा समय बीच में कोई लघु शंका के लिए उठ के नहीं गया। महावाष्य में जैसे हुआ था ना, महावाष्य में यही हुआ, भाष्यकार सुना रहे थे और कुछ एक चेड़ा निकल गया बाहर पेशाब करने के लिए, नहीं और इधर जो बाकी लोग सुनते रहे बड़ा आश्चर्यचकित होते रहे, तो उन्होंने पर्दा खोल के देखा अंदर कौन बोल रहा है इतना बड़ा विलक्षण, मेरे को अलग सूत्र का सुनाई दे रहा है, पड़ोसी को दूसरे सूत्र का सुनाई दे रहा है भाष्य, ऐसे कैसे हो रहा है। तो आश्चर्य को देखने लगे तो जैसे खोला वो तो अनंत नाग रूप धारण करके बैठे हुए थे और विषज ज्वाला उन सबको जला के भस्म कर दिया। बड़ा दुखी हुए पतंजलि महर्षि, ने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमने भाष्य को उज्जीवित रखने के लिए लिखना चाहा लेकिन सब भस्म ही हो गई। अब ऐसे सोचते बाहर आके बैठे, इतने में एक चेला लौटा, अरे तू कहाँ गया था भाई, तो भाई महाराज क्या करें हो गया था, यहाँ ऐसा कोई नहीं गया, सब समभागेन सर्वेषां ये दृश्य समभाग से यहाँ